पुणे में शुक्रवार शाम एक बुजुर्ग के सीने में दर्द उठा। वो 3 घंटे सड़क पर तड़पते रहे। जिस इलाके में वो मौजूद थे वो हॉटस्पॉट था। बैरिकेडिंग की वजह से एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी और आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि ये घटना शहर के नानापेट इलाके की है। इसकी जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता सुधीर धवले ने सोशल मीडिया पर दी। सुधीर के मुताबिक नानापेट कोरोना हॉटस्पॉट एरिया है, इसलिए एम्बुलेंस वाले भी यहां आने से डर रहे थे। ऑटो रिक्शा वाला भी 57 साल के बुजुर्ग को हॉस्पिटल ले जाने को तैयार नहीं हुआ। बाद में एक टेम्पो वाला तैयार हुआ, लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था क्योंकि बुजुर्ग की मौत हो गई थी। सुधीर ने बताया कि मृतक का नाम यशोदास मोदी फ्रांसिस है। रात 3 बजे किसी तरह उनकी पत्नी, बेटा और बहन ने एक टेम्पो वाले को मनाया। वो यशोदास को लेकर ससून हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टरों ने जानकारी दी कि फ्रांसिस की मौत हॉस्पिटल लाए जाने से पहले ही हो चुकी थी। घटना का वीडियो भी सामने आया है, इसमें फ्रांसिस कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं। परिवार का आरोप है कि उन्होंने कई बार हॉस्पिटल और एम्बुलेंस सेवा को फोन किया, लेकिन कोई उनकी मदद को आगे नहीं आया। चालता फिरता माणूस माझा गेला। बोल रे तू, पोलीस येऊन गेले आणि गाडी पण नाही आली। 2 तास पूर्वी ते जिवंत होते आणि बाहेर येऊन बसवलं गाड्यांची वाट बघत 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 त्यांचा दम गेला तिथे रस्त्यावरती। हमारी न्यूज आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे।